जब शिष्य अपने गुरु जी के वाणी पर विश्वास करता है, क्योंकि यह आस्था का पर्व है, ये विश्वास का पर्व है, ये श्रद्धा का पर्व है। कई भगत ऐसे हैं जो नाम ले तो लेते हैं लेकिन आज तक गुरु दरबार में गए नहीं, आज तक उनकी चरण वंदना नहीं की। तो ऐसे पापियों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। अगर भगवान को पाना है तो गुरु जी को पकड़ना ही पड़ेगा। ये पुराणों में लिखा हुआ है, ये हम आपको कहीं सुनी बात नहीं बता रहे हैं। पुराणों में लिखा हुआ है, जब तक गुरु को नहीं पकड़ोगे, गुरु को पकड़ने का मतलब क्या है, हाथ पैर नहीं पकड़ने, पकड़ने का मतलब जब तक गुरु के चरणों में नहीं आओगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु महाराज जी भगवान है, जब उनसे हम नाम दीक्षा ले लेते हैं, उनका स्मरण करने लगते हैं, तो सारे देवी देवता 36 करोड़ उनके मुखड़े में ही हमें नजर आने लगते हैं, हमें दिखने लगते हैं। अपने गुरु महाराज जी की बहुत सी लीलाएं सुनी और सुनते ही रहते हैं कि एक भक्तानी चली जा रही थी, तो रास्ते में उसे गुरु महाराज जी विराजमान मिले। तो गुरु महाराज जी जब विराजमान मिले तो उस भक्तानी ने कहा, मुझे तो भोलेनाथ जी को देखना है, मुझे आपको नहीं देखना है, भाई अपनी अपनी भावनाएं हैं। तो जब उसने ऐसा कहा तो गुरु महाराज ने ठीक है आगे जा, आगे तुझे भोलेनाथ जी मिल जाएंगे। और जब वो आगे बढ़ी तो गुरु महाराज जी मिले, लेकिन डमरू लिए हुए मेरे गुरु महाराज जी, ये डमरू लिए हुए मिले। अब वो कहती है, नहीं मुझे आपके दर्शन नहीं करने, मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं। फिर आगे बढ़ी, जा आगे दिख जाएंगे। जब आगे गई गुरु महाराज जी ही मिले बांसुरी बजाते हुए। तो मेरे गुरु महाराज जी को, आपके गुरु महाराज जी को आप जिस भावना से देखोगे आप उनको उसी स्वरूप में पाओगे। तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन में आए तो तुलसीदास जी महाराज श्री राम जी के उपासक हैं। जब वो वृंदावन में आए कहते हैं मैं नहीं माथा टेकूंगा, भगवान कृष्ण से कहते हैं अगर आप धनुष बाण धारण कर लो तो मैं आपको माथा टेकूंगा। पता है तुलसी बाबा को, अरे भैया एक ही है ये, लेकिन मानेंगे नहीं, जिद है हमारी कि मेरे इष्ट मैं आकर के दिखाऊं। तो भगवान कृष्ण को बांसुरी छोड़ करके धनुष बाण धारण करने पड़े। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप का आए हैं, वही तो मेरे नगरी वाले संत रूप धर आए हैं। इस कलयुग में हम भक्तों का उद्धार करने, गुरु ऐसा होता है जो अपने शिष्य को भगवान बना देता है। ये कोई झूठ बात नहीं है, कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ जाओ, एक गुरु भी चाहता है कि मेरा शिष्य आगे बढ़ जाए, जितना आगे बढ़ना चाहे। मुझे एक बात याद आ गई, गुरु शिष्य दोनों किसी राह पर जा रहे थे, रास्ते में खेत पड़ा, खेत से गुजरे तो वहां कम से कम 20-30 व्यक्ति काम कर रहे थे और उनके थैले थोड़ी दूरी पर रखे हुए थे। चेले ने कहा, गुरुजी ये थैले किसके हैं? गुरुजी ने कहा ये थैले उन व्यक्तियों के हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। तो भैया बहुत तरीके के चेले होते हैं भाई, अपनी मुड़ी मुड़ की बात है। चेले ने कहा तो गुरुजी वो तो देख नहीं रहे हैं, चलो उनके थैले में से कुछ कुछ निकाल लेते हैं, 20-30 थैले हैं, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा। गुरु जी ने कहा अरे पागल, तो निकालने की बात क्यों सोच रहा है, आज तो मेरे कहने से एक नया काम कर बताओ। गुरु जी नया काम यह है कि तो सबके थैले में 100-100 का नोट नया नया सबके थैले में डाल दे। गुरु जी की आज्ञा थी, ठीक है गुरु जी। ऐसा भी चेला जब वो कभी ना नहीं करता था, उसने सबके थैले में 100-100 के नोट नए नए डाल दिए। अब जब गुरु जी ने कहा जाना मत अभी, हम झाड़ी के पीछे छिप करके देखेंगे ये क्या करते हैं, शाम हो गई, झाड़ी के पीछे छिप करके बैठ गए। अब शाम को जब सारे इकट्ठे हुए, भाई मजदूर हैं इकट्ठे होते हैं, सारे इकट्ठे हुए अपने थैले में से भोजन निकालने लगे, और जब भोजन निकालने लगे तो सबको 100-100 का नोट मिला। बड़े खुश हो गए, भाई 100-100 का नोट, वो भी करारे करारे, हम जो पैसे हमारे पास सड़ जाते हैं कोई बात नहीं, मंदिर में चले जाएंगे, मंदिर में चल जाएंगे, जो फट गए हैं कोई बात नहीं दोबारा चढ़ा देंगे। आपकी भावना नहीं है, जो कहीं और भटक रही है उनकी भावना बता रहे हैं, आप तो यहाँ बैठे आप तो ऐसे हो ही नहीं सकते। लेकिन उस भक्त ने नए नए नोट उस थैले में डाले थे, और जब सब व्यक्ति ने इकट्ठे निकाले तो बड़े प्रसन्न हुए, उन सब में से कोई भी भगवान को नहीं।
लेकिन उस दिन कहते हैं कि भगवान तू है संसारी। मैंने तो सोचा भगवान है ही नहीं, लेकिन भगवान है। और भगवान हम सबके थैले में नोट डाले हैं, इंसान नहीं कर सकता। गुरु जी पीछे छिप कर देख रहे थे, चेहरे से कहते हैं और फिर ठपाते हैं, देख तूने इतना अच्छा शुभ कर्म किया है कि लोगों ने तुझे भगवान बना दिया है। इंसान की तो बात ही अलग है, लोगों ने तुझे भगवान बना दिया है, ऊपर वाला बना दिया है। वो बैठ के कह रहे हैं ऊपर वाला है, बड़ी कृपा है ऊपर वाले की। प्रेमियों, ऊपर वाला कोई स्पेशल नहीं है, उनके कर्म ऐसे थे जो हम ऊपर वाले। ऊपर वाला क्या करता है? उपकार करता है, उपकार ही तो करता है, तभी तो ऊपर वाला कहते हैं। और नीचे वाले उपकार करते नहीं, नीचे वाले लेने की सोचते हैं, ऊपर वाला देने की सोचता है। तो बस बात यही है प्यारे कि हमारे गुरु महाराज जी यही तो दृष्टि बदल देते हैं। अगर वो उनके थैले में से कुछ कुछ निकाल लेता तो वो चोरी की राह पर चला जाता, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी गुरुदेव भगवान कभी चोरी की राह नहीं दिखाते।